साहब मस्जिद गुराफा में है और ये वो मस्जिद है कि जो जनाब मरियम का घर था और अमीर कायनात अली नबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम जब जंग नहरवान से वापस आ रहे थे तो अमीर अलैहि सलातो व सलाम ने यहाँ पर चार रोज कायम किया था इस मकाम की अजमत की वजह से। फिर अमीर अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स इस मस्जिद को बनवाए तो इस मस्जिद का नाम उस शख्स के नाम पर रखा जाएगा। तो अबू शुएब बुरासी ने ये मस्जिद बनवाई तो उस वजह से इस मस्जिद का नाम बुरासा रखा गया। इस मस्जिद में ये रबी मरियम अलैहिस्सलाम का घर भी है और ये वो जगह है कि जहाँ पर जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के लिए चश्मा जारी हुआ था जो बाद में बंद हो गया था और अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब नहरवान से यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक दैर मौजूद था तो वो यहाँ पर रहता था। तो अमीर अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तू जो यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर तो ना कोई कुआं खोदा हुआ है ना कोई चश्मा है तो पानी कहाँ से पीता है। तो उसने कहा कि मौला मैं पानी दरिया से लाता हूँ यहाँ जब भी मैंने कुआं खोदा है उसका पानी खारा होता है। तो अमीर अलैहिस्सलाम ने जगह की निशानदेही की कि इस जगह पर कुआं खोदा जाए तो जब उसको खोदा गया तो नीचे एक पत्थर बरामद हुआ तो उस पत्थर को काफ़ी लोगों ने कोशिश की हटाने की लेकिन कोई ना हटा सका तो अमीर कायनात ने खुद उस पत्थर को उस चश्मे के ऊपर से हटाया तो नीचे से शीरी पानी मीठा पानी जो पीने के काबिल होता है वो जारी हुआ। तो अमीर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के बाद से ये मीठा पानी तमाम लोग पिएंगे। नारा है दर का लगे या अली लपे रहे। ये वो पत्थर है जो मस्जिद बुरासा में रखा गया है। इस पत्थर के मुतालिक रिवायत है कि ये एक जगह पर रखा हुआ था और मौला अली ने वहाँ के लोगों से पूछा कि तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो तो उनमें से एक ने कहा कि काफ़ी दूर जाके हम पानी लेके आते हैं। मौला अली ने कहा इस पत्थर को अपनी जगह से हटाओ। कई लोगों ने मिलकर वो पत्थर हटाने की कोशिश की मगर वो उसको ना हिला सके जिसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को अकेले ही उसकी जगह से हटाया। जैसे ही ये पत्थर हटाया गया वहाँ से मीठे पानी का चश्मा निकल आया और जिससे वहाँ के लोग सैराब हुए। सिर्फ ये आदि है सदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मस्जिद बुरासा में हैं। ये मस्जिद कासबैन के करीब है। ये असल में जनाब मरियम का घर था। अंबिया आकर यहाँ पर रहे हैं और ये वही मकाम है कि जहाँ पर हज़रत ईसा की विलादत भी हुई थी और जब विलादत हुई थी तो जनाब ईसा को पहली मर्तबा जिस पत्थर पर रखा गया था वो पत्थर भी इसी जगह पर था। बाद में दफन हो गया अमीर कायनात और ये चश्मा है जो कि जनाब मरियम के लिए जारी किया गया था और ये भी बाद में बंद हो गया था। दिल ने हर के ये कहा है दरी।